भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली ये सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ हमारे सभी उदयमान खिलाड़ी भी अपने निरंतर प्रयास और परिश्रम से प्राप्त करेंगे। आज यहाँ पर गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु इन तीन प्रतियोगिताओं का जो आयोजन करके गोरखपुर कुश्ती संघ ने सफलतापूर्वक इस आयोजन को नागपंचमी के अवसर पर किया है। नागपंचमी का मतलब नाग शक्ति का देवता माना जाता है और प्रत्येक मनुष्य के अंदर भी एक कुंडलनी शक्ति होती है जिसको अंग्रेजी में सर्पेंट पावर भी कहते हैं। और कुंडलनी शक्ति और मुझे लगता है हमारे खिलाड़ी जब यहाँ पर पहलवान आकर के यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके और खेल के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के आयोजन में सहभागी बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह न केवल खेल के प्रति उनके अनुराग को बल्कि अपने पर्व और त्योहारों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए भी उनके भाव को प्रदर्शित करने का एक उचित मंच प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर गोरखपुर कुमार, गोरखपुर केसरी, गोरखपुर कुमार और वीर अभिमन्यु के लिए चयनित तीनों अपने खिलाड़ियों को जिन्होंने आज सफलतापूर्वक अपने अपने मैच में सफलता प्राप्त की, मुझे बताया गया कि यहाँ पे 90 जोड़े कुश्ती के आयोजन हुए थे और 90 जोड़े में ये तीन उत्कृष्ट खिलाड़ी और उनके रनर अप भी तीन यहाँ पर शामिल हुए हैं। उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि गोरखपुर कुश्ती संघ आने वाले समय में नागपंचमी के इस आयोजन के पहले प्रयास करें कि 15 दिन या एक महीने पहले गांव गांव में कुश्ती का आयोजन पहले हो, फिर वहां न्याय पंचायत स्तर पर हो, फिर न्याय पंचायत स्तर से ब्लॉक स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर से फिर उसे हम लोग तहसील स्तर पर या विधानसभा स्तर पर करें और विधानसभा स्तर के बाद जो उत्कृष्ट जोड़े निकले उनकी प्रतियोगिता का आयोजन फिर नागपंचमी के अवसर पर यहां पर हो और अच्छी एक सम्मानजनक धनराशि के पुरस्कार के साथ अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो गांव गांव में खेलो इंडिया खेलों के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और अच्छी मदद मिलेगी। और मैं चाहूंगा ऐसे ही कबड्डी की प्रतियोगिता के लिए वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो या फिर क्रिकेट की प्रतियोगिता हो, अन्य जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, इन सबको हमें इसी प्रकार से प्रोत्साहित करके एक मंच देना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में जो भी महानुभाव और जो भी हमारे पुरातन खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, विजेताओं को हृदय से बधाई देता हूं। जो लोग अपने फाइनल मैच में कहीं विजेता नहीं बन पाए लेकिन अच्छा प्रदर्शन करके उन्होंने यहाँ पे अपने प्रदर्शन से लोगों को आश्चर्यचकित किया है, उनके प्रति अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करते हुए वे आगामी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर सके इसके लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको एक बार फिर से मैं इस मंच में हृदय से बधाई देता हूँ।